नमस्कार दोस्तों, कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं 379 IPC क्या है। जो व्यक्ति कानूनी भाषा में जो व्यक्ति 379 का दोषी पाया जाता है या 379 में उसके खिलाफ अपराध साबित हो जाता है, 379 चोरी, जो व्यक्ति चोरी करता है जैसे पैसे की चोरी, किसी संपत्ति की चोरी, उस व्यक्ति के खिलाफ 379 IPC जोड़ी जाती है। किसी व्यक्ति को चोरी करते पकड़ा जाता है तो संभव बात है कि उसको 379 IPC की धारा दर्ज होकर पुलिस उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। जो व्यक्ति 379 का दोषी पाया जाता है, संभव बात है जो चोरी करेगा वो मरेगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो 379 के तहत, अब इसमें 379 क्या, इसमें कितनी सज़ा होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपको बता रहा हूँ। 379 में जो व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाता है उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं, ये कोर्ट पर निर्भर है। लेकिन ये संज्ञेय अपराध श्रेणी में आता है। जो भी व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाता है उसके खिलाफ 379 IPC के तहत दर्ज होकर उसको कोर्ट चाहे तो जमानत ले ले या नहीं ले। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं।